डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 7.9 को पढ़ रहे थे। अब एक्सरसाइज 7.9 में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था 7-8 तक। हालांकि चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को से ही हम लोग बताना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लिमिट पाई बाई सिक्स से पाई बाई फोर है, पाई बाई सिक्स से पाई बाई फोर है, और इस पाई बाई सिक्स से पाई बाई फोर में इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, तो कोसेक एक्स डी एक्स का। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बताओ कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो उसी तरीके से आप करो क्या, यहाँ पे कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लिख लो लॉग मोड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई, लिमिट पाई बाई सिक्स से पाई बाई फोर, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट को रखना है। अपर लिमिट का मतलब जहाँ जहाँ एक्स आया है वहाँ पे पाई बाई फोर रखिए, तो लॉग तो लॉग रहेगा ही रहेगा, अंदर में है कॉस एक कॉसेक एक्स, तो कॉसेक हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉट पाई बाई फोर, ठीक है। और माइनस अपर लिमिट रखने के बाद माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट किस में रखेंगे, तो कोसेक एक्स है, तो यहाँ एक्स के जगह पे पाई बाई सिक्स और माइनस कॉट पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब बताओ लॉग का तो लॉग रख दिए, कोसेक पाई बाई फोर, पाई बाई फोर का मतलब होता है 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 45 का मान होता है रूट टू, माइनस ये कोट पाई बाई फोर है, तो पाई बाई फोर का मान होता है 45, तो कोट 45 का मान कितना हुआ 1, माइनस लॉग का तो लॉग रख दिए और ये मॉड है कॉसेक, तो यहाँ कॉसेक लिख दिए, सॉरी कॉसेक पाई बाई सिक्स का मतलब होता है 30 डिग्री, तो कोसेक 30 का मान कितना हुआ, तो खाली 2 होता है, जिसे पाई में से 6 में डिवाइड करेंगे तो इसको डिग्री में बदलेंगे तो 30 आएगा, पाई की जगह पे 180 रखेंगे तो 180 बटा में 6 30, और कोसेक 30 का मान कितना होता है 2, माइनस फिर कॉट पाई बाई 6 है, यानी कि कॉट 30 है, तो कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है रूट 3। तो देखिए अब ये हो गया हम लोगों का एम और ये हो गया एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम बटा में एन, ये फार्मूला होता है। तो लॉग का लॉग रख दिए, एम बाई एन, तो एम के जगह पे कितना हो गया रूट टू माइनस वन बाई एन टू माइनस रूट थ्री, तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो फिर नीचे वाला को परिमेयकरण भी कर सकते हैं, तो जैसी इच्छा आपकी, यानी कि लॉग का तो लॉग रहेगा, इसको परिमेयकरण करेंगे, टू माइनस रूट थ्री है रेशनलाइज, तो टू प्लस रूट थ्री और बट्टा में टू प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 0 से 1 इंटीग्रेशन है भाई, आप लिख दो 0 से 1 डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से 1 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और आपको पता होना चाहिए भाई कि इंटीग्रेशन में अगर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा
तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स। क्या होगा इसका? साइन इनवर्स एक्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग कर दिए साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले एक्स की जगह पे तो अपर लिमिट रखना है, तो अपर लिमिट कितना है? 1। तो यहाँ रख दिया साइन इनवर्स 1 माइनस। अब की में हम लोग साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 0। अब आप बताइए, ITF पढ़े ना है हम लोग दूसरा चैप्टर में, दूसरा चैप्टर NCERT के पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वहाँ पे पढ़े थे कि उल्टा होता है भाई। जैसे आप 10th क्लास में पढ़े कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? तो 1। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि साइन में 1 जो है कितना का वैल्यू होता है? तो 90 डिग्री, और डिग्री को ही हम लोग लिखते हैं पाई बटा में 2। तो याद रखना है भाई कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़े हैं। अगर जो लोग को इसमें प्रॉब्लम होगा, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक बार रिवाइज कर लीजिए। वहाँ पे पढ़ा था कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा? पाई बाई 2, और माइनस साइन इनवर्स 0, यानी कि साइन में 0 का मान कितना डिग्री पर होता है? तो 0 डिग्री पर। और इसको घटाएंगे तो पाई बाई 2 ही ना मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 0 से 1 लिमिट है भाई, 0 से 1 लिमिट है, ऊपर dx है, नीचे 1 + x² है। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 0 से 1 लिमिट हो गया 1 बाई 1 + x² हो गया, 1 बाई 1 + x² हो गया, और इंटू में क्या? dx, ठीक है। अब आप ये बताओ कि 1 बाई 1 + जो x² हो गया, ये किसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? आप याद रख लो कि अगर इंटीग्रेशन में 1 बाई 1 + x² dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है दोस्त टेन इनवर्स x। एकदम याद रख लो, ये सब फार्मूला है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके निकल के क्या आया? टेन इनवर्स x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। हम क्या बोलें कि जो भी लिमिट रहेगा अपर वाले में सबसे पहले पुट करते हैं एक्स के जगह पे। तो एक्स के जगह पे अपर लिमिट कितना हुआ? 1। तो टेन इनवर्स 1, और हमेशा माइनस करते हैं लोअर लिमिट को रख कर। तो टेन इनवर्स एक्स के जगह पे 0, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू तो अगर नहीं आ रहा है दोस्त इसका सॉल्यूशन आपको इनवर्स वाला का, तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जाकर जरूर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो टेन इनवर्स 1 यानी कि टेन में कितना डिग्री पर 1 होता है? तो पाई बाई 4 पर, यानी कि 45 पर। और टेन इनवर्स 0 का कितना? 0। तो पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि आखिर 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 क्या है भाई कि इस बार जो है 0 से 1 ही है हम लोगों का, ऊपर है dx और नीचे है x² - 1। आपको हम एक बात बताते चलें कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि 0 से 1 और 1 बट्टा x² - 1 इंटू में dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा लिखने से एक और काम कर सकते हैं, इसी को तो ऐसा लिख दिया, अब 1 को तो 1² भी तो लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इसको अलग अलग कर दिए हम लोग। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ 1 का स्क्वायर करने से? क्योंकि आप फार्मूला पढ़े हैं पहले कि अगर इंटीग्रेशन रहे 1 बाई, अगर x² और -a² रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई 2, ठीक है, 1 बाई 2 a होता है ना, सॉरी 1 बाई 2 a log x - a और + x + a।
ये होता है हम लोगों का। अब बताओ, 1/2 into a, तो x² - a² तो एक जगह पे तो 1 है, फिर लगा दो log, मॉड में x - a, तो x - a माने कि 1 और x+1। अब इसका ना सिर्फ इतना इंटीग्रेशन हुआ और सबका लिमिट चढ़ा दो, कितना से कितना, 0 से 1, यानी कि जो भी इंटीग्रेशन करके कितना भी बड़ा क्यों ना आए, समझ जाओ बात को, इंटीग्रेशन करके कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाओ, हम लोगों को लिमिट वही पुट करना है 0 से 1, या जो लिमिट दिया हुआ रहता है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, 1/2 log mod, इस बार एक्स के जगह पे ना 1 रख रहे हैं क्योंकि अपर लिमिट 1 है, तो 1 - 1/1+1। माइनस करेंगे, 1/2 तो 1/2, लेकिन एक्स के जगह पे 0 रखेंगे, 0 - 1, 0+1। अब देख पा रहे होंगे, 1/2 log 1 में से 1 गया तो हो गया 0/2, माइनस 1/2 log के अंदर -1, क्योंकि ये -1 है, ये +1 है, तो यहाँ हो जाएगा -1। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे, तो ये -1 क्यों आया, क्योंकि x की जगह पे 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इसका आंसर आ जाएगा 1/2 log में 0 से भाग करते हैं तो कितना आता है, log 0 माइनस, और log -1 का वैल्यू ये नॉट सॉल्यूशन होगा, यानी कि 0 होगा log -1। तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा, log 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस 1/2, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, तो 0। तो कुल मिलाकर ये ख़त्म हो गया, राइट आंसर 1/2। तो इस तरीके से हम लोग जो है लिमिट का यूज करके हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो इंटीग्रेशन है, कहाँ से कहाँ तक भाई, तो 0 से π/2 के बीच में, और cos² x है, cos² x(dx). अब याद है ना भाई, हम लोग cos² θ का फार्मूला पढ़ते थे कि 1 - cos²θ/2, ये हम लोगों का फार्मूला होता है। अब इसके जगह पे लिमिट कितना कितना है, 0 से π/2, cos² x, तो cos²θ का जब हम लिख सकते हैं 1 - cos²θ/2, तो इसको लिख सकते हैं 1 - cos²x/2 (dx). लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, ठीक है। अब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 - cos²x/2 और पूरा का dx। अब इसको हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे तो 0 से π/2, 1/2 dx, अलग अलग तोड़ दिया, माइनस, अब इसको इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos²x/2 (dx). अब 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो 1/2x लिमिट 0 से π/2, और माइनस, 1/2 तो बाहर हो गया एक्चुअली, और cos²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos²x का होता है sin²x, और बट्टा x का कोफिशियंट 2 है तो 2 हो जाएगा, और ये नीचे वाला 2 कहाँ से, तो नीचे वाला को बाहर कर लिए, तो कुल मिलाकर इतना सारा आया, और इसको भी 0 से π/2। अब इसको करेंगे कैसे भाई, तो x जहाँ है वहाँ पे π/2 रखेंगे, तो 1/2 into π/2 और माइनस लोअर लिमिट 1/2 into 0 माइनस
वन बाई टू और वन बाई टू कितना होता है, 1/4, और साइन 2x है तो इसको रख दीजिए साइन 2 इंटू पाई बाई 2। माइनस करेंगे 1/4 तो रहेगा ही रहेगा, x के जगह पे 0, तो ये हो जाएगा साइन 0। अब बताओ भाई, ये तो 0 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो ये तो 0 ख़त्म कहानी हो गया। अब 1/2 और पाई बटा 2 को मिलाकर हो गया पाई बटा में 4। माइनस साइन 2 से तो 2 ऐसे भी कैंसिल हो गया, ठीक है, और साइन पाई का जो वैल्यू होता है ना वो 0 होता है, तो माइनस में करके 1/4 इंटू 0, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो साइन पाई बचा, और साइन पाई बचेगा तो साइन पाई का वैल्यू होता है 0, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन 0 का भी मान 0 तो 1/4 गुना में 0, तो 0 से इसको गुना करेंगे तो 0 ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो सिर्फ बच जाएगा पाई बाई 4 आंसर। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग आगे और देखेंगे, प्रयास करेंगे बनाने का। तो दोस्त हम आज क्वेश्चन नंबर 12 तक के यानी कि 12 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।